So Adrian, welcome on Sunny Speaks. Thank you, Richa, for having me. कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ. मैं काम कर रहा हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ अपनी अगली फिल्म की गोवा में. Okay. Just taken some time off to talk to all you wonderful people for the success of Ashram. Yes, yes. Thank you so much for having me once again. And many congratulations, Adrian. बहुत thank बहुत you, अच्छा thank लग you. रहा है कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर, मतलब अनबिलीवेबल था, अनएक्सपेक्टेड था Yes. कि Absolutely, absolutely. टचवुड या इट्स अ ग्रेट थिंग. तो कैसा फील हो रहा है आप बताओ, मतलब कैसा गूजबम्स आ रहे हैं कि कैसा कुछ हो रहा है? रातों की नींद उड़ चुकी है, चैन उड़ चुका है और गूजबम्स आ रहे हैं रोज. और बहुत अच्छा लग रहा है. ऑफ कोर्स लोगों ने इतना ज्यादा शो को प्यार दिया, मेरे किरदार को इतना प्यार दिया लोगों ने. और एक एक्टर जो है, हम इसीलिए मेहनत करता है कि उसको ऑडियंसेस का प्यार मिले, उसको सक्सेस मिले. और हमारी मेहनत मुझे लगता है कि रंग लाई. प्रकाश जी ने ऑफ कोर्स बीइंग द कैप्टन ऑफ द शिप इतने इतने पैशनेटली ये शो बनाया, इतना अच्छा सब्जेक्ट चूज किया इन्होंने उन्होंने इतना रिलेटेबल सब्जेक्ट है ये. एंड आई हैव नथिंग बट ग्रेटिट्यूड एंड एंड आई एम थैंकफुल यू नो कि जितने भी हमारे ऑडियंसेस हैं, उन्होंने उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ, इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हमारा शो हुआ है. सो आई एम इंटरनली बी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम. और ऐसा भी है कि कंटेंट इतना पावरफुल है, भले ही ये पैनेडेमिक टाइम चल रहा हो या लोग घर में ओटीटी ज्यादा देख रहे हो, बट आई एम श्योर हाँ अगर ये एक नॉर्मल डेज में भी आता तो भी शायद ये उतना ही बड़ा हिट होता है. हाँ मतलब कंटेंट इज हीरो इसमें कह सकते नो हैं. कंटेंट कंटेंट हैज ऑलवेज बीन किंग. एंड वी यू नो वी हैव ऑलवेज लिव्ड अंडर डिनायल, बट नाउ वी डोंट. नाउ वी डू अंडरस्टैंड दैट कंटेंट इज किंग. अगर आप एक अच्छी चीज लोगों को परोसेंगे तो वो जरूर देखेंगे, करेक्ट है ना. करेक्ट. सो सो यस, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स लोग ओटीटी पर लेके आ रहे हैं जो लोगों ने शायद देखा ना हो पहले, कि शायद कोई कोई फिल्मों में एक्सपेरिमेंट ना करे उनके साथ, लेकिन ओटीटी पर लोग जरूर बना रहे हैं. तो अध्ययन अभी किस चीज की शूटिंग चल रही है गोवा में? फिल्म है या वेब आई एम सीरीज? राइट नाउ शूटिंग शूटिंग फॉर एन ओटीटी फिल्म कॉल्ड एंट्रैप्ड राइट नाउ. आई हैव जस्ट फिनिश्ड अ वेब सीरीज कॉल्ड प्रयागराज. आई एम गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग फॉर आश्रम 2 इन इन मार्च. And then I've just signed a film with Prakash Jha called Dharmshetra. So I'm doing these four subjects, these four projects right now. So, आप अभी इस समय गोवा में हैं जी, एंड वहां पर क्या है कोविड वगैरह का हाल, कैसे आप यहाँ लोग सेफ्टी पे मेजर्स रख रहे हैं? सेफ्टी मेजर जो हमारे होते हैं वही ऑक्सीमीटर चेक करना, टेम्परेचर चेक करना और हमारे मास्क पहनना. और एंड गोवा में इट्स नॉट अ वेरी बैड द सीन राइट नाउ. सो वी आर एट अ वेरी फार अवे लोकेशन जहाँ पे ज्यादा क्राउड नहीं है, लोग नहीं है, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस तो अपने अपनी तरफ ही हो जाती है. तो अध्ययन किस तरीके का की स्टोरी आप पसंद करते हैं नॉर्मली? जैसे आश्रम हो गया, वो तो सुपर हिट हो गई अभी, और कैसा कैसी चीजें हैं, कैसा जॉनर है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है? आई थिंक स्टोरी दैट हैज स्टोरी दैट मेक्स यू फील समथिंग, स्टोरी दैट हैज अ सेंस ऑफ यू नो स्टोरी दैट हैज द राइट काइंड ऑफ इमोशन दैट विल टच पीपल्स हार्ट. जो एक स्टोरी जिसमें जो मल्टी लेयर्ड स्टोरी हो, जो एक एक डिमेंशन ना हो, उसमें कैरेक्टर्स हों जिनके सब लेयर्स हों, सब प्लॉट्स हों, थोड़ा सा लोगों को सोचने पे जो है हम लोग मजबूर करें. कुछ जो एक्साइटिंग होना चाहिए एक स्क्रिप्ट के अंदर, एक एक हुक पॉइंट होना चाहिए, प्लॉट पॉइंट होना चाहिए या सही इमोशन होने चाहिए कि जो लोगों के दिलों तक पहुंच पाए. तो ऐसा कोई मेरा जॉनर नहीं है, जॉनर नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स. आई एम एन एक्टर. आई कैन नॉट हैव वन जॉनर एंड बी लाइक मेरे को तो थ्रिलर थ्रिलर पसंद है या रोमांस पसंद है. मैं एक्टर हूँ, मेरे को जो स्क्रिप्ट एक्साइट करती है मेरे को वो फिल्म वो करने में मजा आता है. कम इन कम इन. तो हाँ जी सॉरी. शेखर सर कैसा रिएक्शन करते हैं, कुछ समझाते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ गमियां, कुछ अच्छाइयां, कैसे कैसे ऑफ कोर्स देख करते मेरे हैं? वो मुझे हमेशा बोलते रहते हैं कि इस पे काम करो, उस पे काम करो. जैसे कि उन्होंने कुछ देखा उस दिन, उन्होंने कहा कि तुम्हारी वॉइस मॉड्यूलेशन बेटर हो सकती थी इस पे. तो वो अपने तरफ से डेफिनेटली मुझे बताते हैं. देखो इतने उमदा कलाकार हैं वो, तो उनका बात सुनना तो बनता ही है लाइफ में अपने. उनका लैंग्वेज पे इतना होल्ड है, लैंग्वेज पर कमांड है. जहाँ जहाँ हैवी वॉइस की बात हो, टोनैलिटी पे कमांड है उनका. तो मुझे सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं और उनका ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करता है मेरे लिए लाइफ में. तो जब सक्सेस मिल जाती है तो कुछ फर्क आता है नेचर में अध्ययन, कुछ चेंजेस आते हैं या फिर आप मेरे ऐसे नेचर में तो नहीं आते, मैं दूसरों का नहीं जानता. आई थिंक ही? मैंने मैंने अपने
लाइफ में बहुत कुछ देखा है टू गेट हाई हेडेड इन लाइफ. मैंने अपने लाइफ में सक्सेस भी देखी है और फेलियर भी देखा है, और मैं ये जरूर जानता हूँ कि जितना ग्राउंडेड रहोगे उतना लोग जो है आपको प्यार करेंगे. जितना तुम ग्राउंडेड रहोगे उतना यू विल बी सेंटर्ड इन योर माइंड टू बी एबल टू वर्क द राइट वे, है ना. देयर इज नो पॉइंट बिकमिंग एरोगेंट अबाउट एनीथिंग बिकॉज इट इज ऑल सक्सेस क्या है, इल्यूजन है ना. आपकी कोई चीज चलती है, आपको लोग प्यार करते हैं, फिर वही इंसान जो है चार फ्लॉप देता है तो लोग उसी को हेट करना शुरू कर देते हैं, राइट. तो जहां पर चीजें नहीं चलती है वहां पर चलती भी है, जहां चलती है वहां नहीं भी चलेंगी चीजें. So just keep working and keep bettering your. See, my high is not the fact that it's not the fact that of course मैं खुश किस्मत हूँ कि लोगों ने इतना प्यार दिया है, लेकिन मैं जब हर एक नए फिल्म सेट पर जाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि यार एक ग्रोथ आई है मेरे अंदर एज एन एक्टर, कि जहाँ मैं एक टाइम पे शुरुआत में दो सीन करता था, दो पेज के सीन भी करता था, आई यूज्ड टू बी नर्वस, मैं प्रिपेयर करता था घर पे. आज मैं दस दस मिनट के टेक्स कर रहा हूँ, सिंगल टेक्स. I am learning lines on set. I am not worried. I am not being nervous. तो ये growth मेरे लिए बहुत matter करती है. ये growth मेरे लिए success है. है ना? So it's very, 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 very important. प्रकाश सर के साथ आपने अभी काफी लंबे समय से काम किया है. ऐसा क्या direction किया है उन्होंने टचवुड की है? ये film बिल्कुल एक series, एक film पूरे flow में जा रही है, मतलब बिल्कुल वैसी. हाँ. क्या एक बेस्ट क्वालिटी उन्होंने शो करी है जब ये सीरीज वो बना रहे थे? आई थिंक प्रकाश जी के बारे में यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो उनके अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी है कि वो क्या कहना क्या चाहते हैं. ओके. आधा टाइम हम लोग डायरेक्टर कंफ्यूज होते, बेटा कहना क्या चाह रहे हो, है ना. तो अभी प्रकाश जी के अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी है बिकॉज ऑब्वियसली उनका क्राफ्ट, उनका जो हुनर है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत सालों का है और वो बहुत ही उमदा निर्देशक है. और जब प्रकाश जी बनाते हैं शो तो उनका एडिट दिमाग में साइड में चलता रहता है कि मैं शॉट को ये कैसे एडिट करूंगा. सो आई थिंक दैट ऑफ कोर्स इज आई थिंक आउटस्टैंडिंग इन व्हाट प्रकाश जी डज, यू नो. सो आई थिंक इट्स वंडरफुल हाउ क्लियर हिज विजन इज, एंड वंस योर विजन एज अ डायरेक्टर इज क्लियर, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग समथिंग गुड. अर्जुन, बहुत टाइम से आपसे एक बात बोलना चाह रही हूँ. हम बहुत बार इंटरव्यू ले चुके हैं. क्या ऐसी चीजें जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखती है? बिकॉज मैं जब भी आपसे मिली हूँ आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक प्लस देखा है, जबकि काफी उतार चढ़ाव आपने भी देखे हैं चीज अपनी लाइफ में. क्या ऐसी चीज है जो आपको पूरा मोटिवेट और एंथुसियास्टिक रखती है इस तरह से? आई थिंक मैं ऑफकोर्स अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनका आई एम द ओनली सन, और मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में अगर इतना जल्दी हार मान लूंगा तो फिर लानत है मेरे ऊपर. और द फैक्ट कि मेरे अंदर हमेशा मेरे फादर ने सिखाया है कि फेथ और डेस्टिनी से बढ़कर कोई चीज नहीं है एक इंसान की लाइफ में. और अगर आप डेस्टिन्ड हो कि आप अच्छा करोगे लाइफ में, इसका ये मतलब नहीं कि आप हार्ड वर्क करना छोड़ दो, बट यू कीप वर्किंग हार्ड, बट इफ यू डेस्टिन्ड टू मेक इट बिग एंड टू डू वेल इन योर लाइफ, यू विल. और फेथ जो ये है कि हाँ जरूर होगा, एक ना एक दिन जरूर होगा, जरूर होगा, ये अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है. और कहीं ना कहीं जब मेरी शुरुआत हुई थी तो अच्छी शुरुआत हुई थी, लोगों ने बहुत प्यार दिया था, तो कहीं ना कहीं मुझे सबकॉन्शियसली पता था कि हाँ ऐसा नहीं है कि लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, लोग मुझसे प्यार करते हैं, बट दे जस्ट वेटिंग फॉर द राइट वर्क, राइट वेब सीरीज, राइट सॉन्ग, समथिंग टू कम आउट. एंड एवरी टाइम अ गुड प्रोडक्ट हैज कम आउट, पीपल हैव लव्ड मी. अब सोनियो केम आउट तो सोनियो को लोगों ने बहुत प्यार दिया, राष्ट्र लाई तो लोगों ने राष्ट्र को बहुत प्यार दिया, जशन को बहुत प्यार दिया, हार्टलेस को बहुत प्यार दिया, और जितने लोगों तक पहुंची उतने लोगों ने बहुत प्यार दिया, है ना उसको. और जब आश्रम आई, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आश्रम को इतना, टिंका सिंह को इतना ज्यादा प्यार मिलने वाला है, मैंने नहीं सोचा था कभी, ऑनेस्टली आई एम सेइंग इट, यू नो. तो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग है ये, और ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जिस चीज से आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती वही चीज आपकी जिंदगी बदल देती है. तो टिंका ऑफ कोर्स मेरे को पता था कि आश्रम बहुत बड़ा हिट होने वाला है, पर टिंका सिंह इतना बड़ा हिट होगा मुझे ये नहीं पता था. अगेन फिटनेस की बात करते हैं, एक तरफ अनिल कपूर को बोला जाता है कि वो जो है वो बहुत फिटनेस भी, इस उम्र में भी इस उम्र से आधे लगते हैं. सेम अप्लाइज ऑन योर डैड कि वो भी बिल्कुल फिटनेस को लेके आपके आई थिंक बड़े भाई लगते होंगे वो. तो क्या कुछ करते हैं आप दोनों फिटनेस को लेके, क्या करते हैं या वो जानना चाहेंगे हम जरूर. नहीं कुछ नहीं यार, हम लोग देखे, हम लोग साथ में खाते भी हैं, साथ में डाइट भी करते हैं. एंड ही इज बीन फॉर मी ही इज लाइक ग्रीक गॉड माय फादर. अपने अपने उम्र में ऐसी बॉडी रखना और इतना मोटिवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप कुछ भी करो. और इंसान एक वक्त के बाद बोलता छोड़ो यार कौन करेगा, बट द काइंड ऑफ यू नो अचीवमेंट्स दैट ही हैड एज एन एक्टर, एज अ फादर, एज अ ह्यूमन बीइंग, आई थिंक दैट हैज बीन अमेजिंग ऑन हिज पार्ट. और हम देखकर फिर इंस्पायर ही होते हैं अपने फादर से, और क्या होते हैं. अगर हम ना इंस्पायर हो अपने फादर तो बेवकूफ है लाइफ में, कि हमारे घर के अंदर इतना बड़ा इंस्पिरेशन एक आदमी, यू नो. एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग. एंड यू नो एक
उनके अंदर हमेशा ये रहा है, बात रही है कि भाई देखो एज इज जस्ट अ नंबर, और इन्होंने हमें उन्होंने हमेशा ऐसे ही ट्रीट किया उसको कि एज इज जस्ट अ नंबर बॉस, लाइफ में क्या एज कुछ नहीं होती है, यू नो, एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग टू लिव बाय, लिव बाय. राइट हरियन, जब भी बात करते हैं बहुत मजा आता है आपके साथ, मन करता है थोड़ा और बातें करें, बट समय हमेशा बाउंड कर देता है. जी तो जी फिर से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो कॉन्ग्रेचुलेशन, मच, ह्यूज ह्यूज सक्सेस आश्रम के लिए. और थैंक यू, आपकी सारी फिल्म सीरीज सुपर डुपर हिट हो अध्ययन, और हम ऐसे ही मिलते रहें, और होपफुली जल्दी आमने सामने बैठ के भी रिचा आपके मुंह में घी शक्कर, थैंक यू, हाँ मिलेंगे तो पक्का. ठीक है, टेक यस, केयर, या टेक ऑल द केयर रिचा, बेस्ट, बाय 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 बाय. बाय. अक्षत लास्ट इंटरव्यू है ना अपना.